कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां ये पूरा मामला अब कोर्ट में जा पहुंचा है, तो वहीं दूसरी ओर देश के दूसरे हिस्सों में भी इसे लेकर बवाल बढ़ना शुरू हो गया है। मंगलवार को जय श्री राम का नारा लगा रही भीड़ के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली छात्रा मुस्कान की बहादुरी की अब हर कोई तारीफ कर रहा है। AIMIM चीफ असरुद्दीन ओवैसी ने इस छात्रा की तारीफ करते हुए उसे बहादुर बताया, तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद ने छात्रा को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। ये बहादुर बेटी कर्नाटक में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहन कर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। 25-30 नौजवानों का हुजूम इस नफा पुरखा पे मेरी बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूँ इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था, उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देख कर पुकार करता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो हजारों का लश्कर आ जाए अगर वो एक खड़े होकर कहेगा अल्लाह अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया। मैं सलाम करता हूँ उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, पैदा करे। अगर कोई हमारे किसी भी मतलब की बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची फैल जाए अपने आप के, ये हमारी लड़ाई है। वहीं अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। घटना के वीडियो को रिट्वीट करते हुए पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने लिखा, मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, नफरत को केवल प्यार से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। वहीं इस बारे में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को स्कूल में यूनिफॉर्म में आना होगा। बीसी नागेश का मानना है कि इस मामले में कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग भी शामिल है। वीडियो में नजर आ रही घटना वाले दिन पर बात करते हुए मुस्कान कहती है, मैं असाइनमेंट जमा करने जा रही थी, मेरे कॉलेज में घुसने से पहले ही कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण परेशान किया गया था। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, मेरा कॉलेज मुझे ये कपड़े पहनने की इजाज़त देता है। भीड़ में सिर्फ 10% छात्र मेरे कॉलेज के लोग थे, बाकी सभी बाहरी लोग थे। जिस तरह से वे बर्ताव कर रहे थे उसने मुझे परेशान किया और मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल ने कभी बुर्का पहनने से नहीं रोका, कुछ बाहरी लोग आकर हम पर दबाव बना रहे हैं, हमें रोकने वाले ये कौन होते हैं, क्यों हमें इनकी बात सुननी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन।